बिहार की 40 लोकसभा सीटों में काराकाट सीट चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह सीट नई परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आया। 2009 में पहले सांसद के रूप में राजक समर्थित जदयू के महाबली सिंह निर्वाचित हुए थे। वहीं 2014 में राजक के घटक दल रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को शिकस्त दी थी। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा ने राजक का साथ छोड़ यूपीए का हाथ थामा, लेकिन जदयू के उम्मीदवार महाबली सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। काराकाट में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहां से विधानसभा में तो महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन लोकसभा में राजक की धाक है। इस लोकसभा सीट से इस बार कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। महागठबंधन ने इस सीट से सीपीआई एमएलए राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। काराकाट लोकसभा सीट से अभी तक किसी भी सांसद ने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की है। इस बार भी ये रिकॉर्ड टूटते हुए नहीं दिख रहा क्योंकि महाबली सिंह इस बार चुनावी मैदान से बाहर है और उनकी जगह जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा को मौका दिया है। हालांकि मुकाबला भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से और भी दिलचस्प हो गया है। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पवन सिंह की एंट्री ने सीट को चर्चित और हॉट सीटों में शामिल कर दिया है। हालांकि पवन सिंह सीधे तौर पर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं।